गोपागंज के शिवपुर गाड़ा स्थित कब्रिस्तान में शव दफनाने को लेकर शिया सुन्नी के विवाद के बाद मंगलवार को मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने दोनों पक्षों को किसी तरह समझा बझा कर शव दफनाने के लिए जमीन की खुदाई शुरू कराई। बताया जाता है कि सिया वर्ग के एक बुजुर्ग की मौत के बाद शव दफनाने के लिए लोग शिवपुर गाड़ा स्थित कब्रिस्तान पहुंचे थे, लेकिन सुन्नी वर्ग के लोगों ने शव दफनाने के लिए दूसरी जगह खुदाई करने के लिए के कहने लगे, जिसके बाद जब दूसरी जगह खुदाई शुरू कराई गई तो पहले से दफन किसी के शव मिलने के बाद खुदाई रोक देनी पड़ी। बाद में शव दफनाने के लिए जब दूसरे जगह जमीन की खुदाई शुरू की गई तो सुन्नी वर्ग के लोगों ने विरोध करते हुए मना कर दिया। इसके बाद मामला तुल पकड़ लिया और देखते ही देखते वहां दोनों वर्गों के काफी संख्या में लोग आ गए। उधर सूचना के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने दोनों वर्गों के लोगों को काफी देर तक समझाने बुझाने के बाद मामला शांत होता नजर आने लगा। हालांकि शव दफनाने को लेकर अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों वर्गों बाद विवाद की स्थिति बनी रही। दोनों ही वर्ग अपने अपने हिसाब से कब्रिस्तान की जमीन पर शव दफनाने की जिद पर अड़े थे। सुन्नी वर्ग के लोग कब्रिस्तान के उस स्थान पर शव दफनाने के लिए विरोध कर रहे थे जहां सिया वर्ग के लोग शव दफनाने की जिद पर अड़े थे। अधिकारियों ने बताया कि शव दफनाने के बाद लोकसभा चुनाव बाद कब्रिस्तान में शव दफनाने के स्थान को लेकर भविष्य में होने वाले विवाद की पुनरावृत्ति किसी के मौत के बाद फिर न हो, इसके लिए प्रशासन की मौजूदगी में दोनों वर्ग के नामित प्रतिनिधियों के बीच बैठक कर हमेशा हमेशा के लिए मामला सुलझाया जाएगा। इसके बाद दोनों वर्ग के लोगों ने अधिकारियों के फैसले को मानकर शांत हो गया, जिसके बाद विवादित स्थान से दूसरी तरफ शव दफनाने के लिए चिन्हित की गई जमीन की खुदाई शुरू कराई गई। चुनाव बाद सर जो है उसको लगवा दीजिए।